सोमवार को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह की अध्यक्षता में एक दिवसीय परिचर्चा कार्यक्रम मॉडल स्कूल के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और अपनी अपनी बातों को विस्तार पूर्वक रखा। अध्यक्ष ने मुख्य रूप से कहा कि जो भी कार्यकर्ता हैं वे अपने कार्य का सही रूप से निर्वहन नहीं करेंगे, उनके जगह पर दूसरे को जवाबदाही दी जाएगी। कार्यक्रम में हिसुआ विधायिका नीतू सिंह ने विशेष रूप से संगठन मजबूत करने पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं, कार्यकर्ताओं में हौसला अफजाई की जरूरत है, सभी लोगों को मिलकर कार्य करना होगा तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। कार्यक्रम में अक्षय कुमार उर्फ गोरेलाल सिंह, पूर्व अध्यक्ष राम नरेश सिंह, पूर्व अध्यक्ष आभा देवी, कार्यकारी अध्यक्ष बंगाली पासवान, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष राजीव खान, रजनीकांत दीक्षित, अंजनी कुमार पप्पू, गोपाल कुमार, राम आशीष कुमार आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर से पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। नवादा से राकेश कुमार चंदन की एक रिपोर्ट। और यहाँ पर उम्र में जो हमसे छोटे हैं सब लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। बहुत खुशी का बात है कि आज कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आज एक दिवसीय मीटिंग बुलाया गया है। पार्टी का रीढ़ तो कर्ज करता ही होता है, ऐसा मीटिंग तो हमेशा होते रहना चाहिए, लेकिन चलिए देर ही सवेर हम लोग आज मिल के सब कांग्रेसी यहाँ पे मिल के और विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमारी पार्टी कैसे मजबूत है, इस पर हम लोग को पहल करना चाहिए। चुनाव के समय क्या होता है, कौन विरोध करता है, कौन सपोर्ट करता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो मैदान में आया टिकट जिसको मिल गया, जो जीत गया वही सिकंदर हो गया। अब तो उस जो जीता उसी का पास सारे पार्टी के लोगों को मानना चाहिए, लेकिन हमारे नवादा जिला में अंदरूनी बहुत राजनीतिक होता है, उसको तो मैं सामने कुछ नहीं बोलूंगी। सब लोग समझते हैं कि किसके साथ क्या होता है नहीं होता है। पार्टी जो है पार्टी के कार्यकर्ता जब अपने नेता का ही इज्जत नहीं करेंगे, मान और सम्मान नहीं देंगे तो नेता फिर क्या करेगा। इसके लिए तो सब लोग को सुधार लाना चाहिए कि पार्टी आगे कैसे बढ़े। इस क्षेत्र से किसुआ से मैं विधायक बनी हूँ, हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि मैं पार्टी को कैसे मजबूत करूं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता ही मेरे ऊपर ही आरोप लगाते हैं कि ये बाहरी है, हमेशा लोग आरोप लगाते रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि 2010 में जब पार्टी मुझे टिकट देके और चुनाव हम लड़े, चुनाव हार गए, तो पार्टी किसी के कहने से हम कांग्रेसी थोड़े रहेंगे। हमको तो पार्टी सिंबल दिया, हम चुनाव लड़े। 2015 में जब चुनाव का बारी आया, महागठबंधन में हम लोग का टिकट कट गया, तो हम अपने कार्यकर्ता के मान और सम्मान के लिए हम चुनाव मैदान में आए। उस समय भी पार्टी का लोग बहुत विरोध किए, लेकिन हम हर विरोध का सह के और फिर मैं 2020 में उम्मीदवार बनी। और इस बार कुछ कार्यकर्ता लोग मेरा विरोध भी किए, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहती हूँ, मन में ही समझते हैं कि कौन लोग मेरा विरोध किए हैं, कौन लोग मेरा सपोर्ट किए हैं। फिर भी सब लोग का सहयोग रहा, मैं विधायक बन गई। अब 2020 खत्म हो गया, 21 आ गया है। अब आगामी जो हम लोग का चुनाव होगा उसमें सब कार्यकर्ता लोगों को पुरानी बातों को भूल के और सब लोग का मान सम्मान करते हुए आगे की लड़ाई हम लोग को लड़ना है।